अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सबका पहला रोज़ा बहुत अच्छा गुजरा होगा। और वैसे टाइटल में तो मैंने लिखा है कि हमारी पहली सहरी, वैसे तो ये रमज़ान के स्टार्ट से देखा जाए तो दूसरी सहरी बनती है, लेकिन हमारी ये पहली सहरी इसलिए क्योंकि हम जो है हमने पहली सहरी नहीं कर सके थे, आँख नहीं खुली थी, अलार्म बजा था लेकिन पता नहीं चला और आठ पैरा रोज़ा रखा था हमने, इस वजह से हम तो ये पहली सहरी कर रहे हैं। आप सबकी ये दूसरी सहरी होगी, हमारी ये पहली सहरी है और जो है इसकी तैयारी जो है वो चल रही है। मैंने रात को, मुझे इतनी टेंशन थी कि कहीं सुबह मेरी आँख ना खुले, इस वजह से मैंने जो है ना ये सब्ज़ियाँ ऑमलेट के लिए सारी जो है जिसमें गाजर है, शिमला मिर्च है, प्याज है, हरा प्याज है, इसमें अदरक काटी हुई है, हरी मिर्चें हैं, ये सब मैंने छोटी छोटी बारीक काट के इनको मैंने जिप लॉक बैग में डाल के पहले ही रख दिया था रात को, ताकि अगर सुबह मेरी आँख खुलने में देर हो जाती है या टाइम कम होता है तो मैं जल्दी जल्दी जो है ना वो ऑमलेट बना लूँ, ज़्यादा देर ना हो। वैसे तो कम ही यही ऑमलेट बनाया जाता है, ज़्यादातर जो है ना बिल्कुल सिंपल जो है वो अंडा खाया जाता है और ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता इस तरह स्पाइसी। चलो मैंने कहा आज ये बना के देख लेते हैं, अगर दिल किया आइंदा तो बनाऊंगी, नहीं तो फिर नहीं बनाऊंगी। कीमा मैंने जो बनाया था, कीमा आलू, वो मेरा जो है इस तरह रात में तो खाना खाया नहीं जाता तो ये मेरा रह गया था पहली सहरी में, तो अब ये जो है ना हमारा नसीब में ये दूसरी सहरी पे खाना ही था। मैं इसका जो है पराठा बना रही हूँ अपने लिए, मैं पराठा बना लूँगी, बाद में मैं फिर अपने हस्बैंड से पूछूँगी उन्होंने क्या खाना है। अगर वो पराठा, वैसे तो वो जो है ना सहरी में पराठा बहुत कम खाते हैं, वो भी जो है ना सादी रोटी खाते हैं, मैं बिल्कुल भी नहीं रोटी पराठा नहीं खाती, मैं जो है ब्रेड खाती हूँ। आज मेरा दिल कर रहा था याशी का, मैंने कहा चलो थोड़ी सी जो है ना एक दिन ना हफ्ते में मैं ऐसा रखूँगी जिसमें मैं इस तरह से हैवी जो है ना किस्म की सहरी किया करूँगी, बाकी जो है ना वो मैं फिर लाइट लाइट ही करूँगी। आज भी मैंने ये पराठा तो बना लिया था शौक शौक में कि मैं खा लूँगी, लेकिन ये भी मुझसे नहीं खाया गया। अभी रूटीन आहिस्ता आहिस्ता सेट होगी, इस टाइम खाने की आदत नहीं होती, शुरू सहरी में तो बिल्कुल भी नहीं खाया जाता, आहिस्ता आहिस्ता जो है रमज़ान के जैसे रोज़े गुजरेंगे तो फिर जो है हम खाना शुरू कर देंगे, रूटीन हमारी बन जाएगी। ऑमलेट जो है मैंने बना लिया था, चाय मैंने रख दी है, मैं चाय नहीं पीती, चाय भी मैंने बस एक ही कप बनानी थी, लेकिन ये है कि ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हो या चाहे थोड़े लोगों के लिए बना रहे हो टाइम उतना ही लग जाता है, क्योंकि आपने जो है ना वही सब चीज़ें जो है ना स्टेप्स तो सारे होते हैं, लेकिन ये है कि चलो उसमें जो है ज़्यादा एक साथ अब चाय बननी है तो वो ज़्यादा बनाए या कम बनाए उसमें टाइम तो उतना ही लगना है। खैर मैंने जो है ये बना लिया था ऑमलेट, अब मैं जाके अब ये सारी तैयारी तो हो गई, अब मैं बाद में अपने हस्बैंड से पूछूंगी, उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने भी आज पराठा खाना है, तो चलो अब एक पराठा मैं और बना लेती हूँ। दही में जो है मैंने साथ शक्कर रख ली थी कि आज दही के साथ जो है ना मैं शक्कर खाऊंगी, और ये टैबलेट्स हैं मैंने कहा ये भी मैं साथ रख लूँ, बायोटिन आजकल मैं खा रही हूँ, ये अपने बालों के लिए जो है ना, बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे थे, जो मर्ज़ी कर लो जो इनको जो है ना बिल्कुल भी सुकून नहीं था। वैसे तो मैं मल्टी वाइटामिन जो है ज़रूर खाती हूँ रमज़ान में जो है मैं सहरी टाइम जो है खा लेती हूँ ताकि कोई वीकनेस वगैरह ना हो, तो वो अभी मैंने जो है स्टार्ट नहीं की, वो इंशाल्लाह कल से वो भी मैं स्टार्ट कर दूंगी। अभी आज जो है मैंने कहा अपनी ही वाली टैबलेट ले लेते हैं, दूसरा पराठा मैंने बना लिया था, जैसे जैसे जो जो बनता जा रहा था वो वैसे वैसे मैं फिर टेबल पे रखती जा रही थी, क्योंकि सहरी में टाइम तो इतना होता नहीं है कि आप सोच समझ के जो है सब करें, और बस जल्दी जल्दी जैसे जो जो बन रहा था वो मैं टेबल पे पहुंचा रही थी। ये मैंने जो डेट की एनर्जी बार्स बनाए थे ये भी, और ये खा के ना वैसे वाकई बहुत अच्छे लग रहे थे, साथ में जो है ना एक इतनी ये उस वक्त हालांकि ये मैं बना रही थी तो ये लग रहा था कि हार्ड है, लेकिन ये खाने में अब इतने सॉफ्ट थे ना, इनके अंदर बिस्किट्स भी सॉफ्ट हो गए थे, और ये खा के ज़रा मीठे मीठे ज़रा टेस्ट चेंज हो गया मुँह का, और चाय मेरी बन गई है, सहरी अब हम कर लेंगे। और रमज़ान में, इस रमज़ान बहुत सारे घरों में ऐसा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे नहीं होंगे जो पिछले रमज़ान उनके साथ थे सहरी में अफ्तारी के टाइम, वो जगह उनकी खाली होगी जिस जगह बैठ के वो साथ में घर वालों के सहरी या अफ्तार किया करते थे। अल्लाह उन सब की मगफरत फरमाए, उनके घर वालों को सब्र दे। बस इतना ही टाइम है, किसी का कोई पता नहीं किसने पहले चले जाना है किसी ने बाद में चले जाना है, लेकिन इंसान है ये बात नहीं समझता। जब तक हम जिंदा हैं हम दुनियादारी में लगे हुए हैं, वैसे तो ये जब जाने का वक्त आएगा तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा, और हमारे पीछे भी सारे काम ऐसे ही होते रहेंगे जो कि अभी हमें लगता है कि हमारे बगैर दुनिया में वो नहीं हो सकते, लेकिन जब हम जाएंगे तब भी दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी। अल्लाह जो है ना इस साल के रोज़े अल्लाह ने हमें नसीब किए हैं, अल्लाह जो है ना हमें रखने की भी तौफीक दे, और जो है ना इंशाल्लाह सारे रोज़े रखेंगे और आगे अगले साल नसीब में हुए तो इंशाल्लाह फिर रखेंगे। और ये सहरी जो है हमारी हो गई थी, बस आखिर में जो है ना मुल्तान में वैसे सहरी के ख़त्म होने का टाइम जो है 4:30 थोड़ा सा ऊपर 3-4 मिनट ऊपर कर लें इतना ही है बस, उस टाइम पे अजान हो जाती है, तो बस अगर उठ के बनाओ तो आधा घंटा मैक्सिमम जो है ना वो चाहिए होता है सहरी बनाने के लिए, और आप खाने में कितना आपको हार्डली जो है 15-20 मिनट्स लगेंगे। पानी आज मैंने इतना नहीं पिया था, और मैंने सबसे बड़ी
गलती आज ये की थी कि मैंने जो है ये पराठा खा लिया और उसके बाद मुझे ना बिल्कुल सुबह फ़ौरन ही ना जल्दी, उस वक्त मुझसे पानी नहीं पिया गया लेकिन जब मैं सो के उठी ना बाद में तो मुझे फ़ौरन जो है ना प्यास लगना शुरू हो गई और आज का रोज़ा जो है ना मुझे प्यास लगी है, जबकि कल मैंने 8 पहरा रोज़ा रखा था मुझे प्यास नहीं लगी थी और आज मैंने खा पी के रखा है तो मुझे लग रही है आइंदा जो है ना पराठा तो बिल्कुल जो है ना बस स्किप हो गया, कभी कभी जो है खा लेंगे। और इस टाइम जो कुरान मजीद पढ़ने का जो सुकून है, वैसे तो हर टाइम पढ़ने का अपना ही मज़ा है लेकिन इस टाइम बिल्कुल खामोशी होती है, बच्चे सो रहे होते हैं, मुझे इस टाइम जो पढ़ने का मज़ा आता है ना उसकी तो बात ही अलग है। अब की दफ़ा जो है देखिए रमज़ान में कितने कुरान शरीफ जो है वो मुकम्मल होते हैं। उम्मीद है आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगली मुलाकात तक के लिए अल्लाह हाफिज़।